आज है 6 अगस्त 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नौगांव में सीएम शिवराज ने सभा को किया संबोधित। कहा नवीन बस स्टैंड व लाडली बहना पार्क का होगा निर्माण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छतरपुर दौरे पर पहुंचे। सीएम रोड शो के बाद नौगांव के बस स्टैंड पर सभी को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने संबोधन में कहा कि नौगांव में नवीन बस स्टैंड और लाडली बहना पार्क 50 बेड के अस्पताल को 100 बेड का करने की घोषणा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नौगांव में सभी को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ये तीन बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि नौगांव में नवीन बस स्टैंड की मांग मुझसे की गई। मैं आपसे वादा करता हूं कि नौगांव में नवीन बस स्टैंड बनेगा। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल समाप्त। चिकित्सा शिक्षा मंत्री के कहने पर काम पर लौटे। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर बाला सरस्वती आत्महत्या के मामले में एक कार्रवाई न होने से नाराज होकर हड़ताल पर डटे जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा कर दी। इसके बाद प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर अब काम पर वापस लौट आए। जूनियर डॉक्टर्स ने एचओडी डॉक्टर अरुणा कुमार को गांधी मेडिकल कॉलेज से हटाने की मांग की। नरेंद्र सिंह तोमर आज भोपाल में विधानसभा क्षेत्र कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। भाजपा प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर आज सुबह 11 बजे भोपाल में नरेला विधानसभा क्षेत्र के पीपल्स माल करौंद और दोपहर 2 बजे चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के बीनागंज गुना में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा दोपहर 2 बजे पन्ना जिले के गुन्नौर में, वरिष्ठ नेता प्रभात झा देवास और उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के लिए एमपीयूडीसीएल को अल्टीमेटम। मुख्यमंत्री पेयजल योजना के अंतर्गत जिले के छोटे नगरीय निकायों में नर्मदा जल आपूर्ति का इंतजाम किया जा रहा है। कुछ निकायों में तो काम की प्रगति ठीक है लेकिन कुछ में असंतोषप्रद है। इसी को लेकर पाटन मझौली क्षेत्र के विधायक अजय विश्नोई और कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने निर्माण कार्य में लगी एजेंसी के साथ बैठक की। कलेक्टर ने संबंधित एजेंसी को अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह तक काम पूरा करने की हिदायत दी। बैठक में ईडीएम मिशा सिंह भी मौजूद रहीं। कॉलेज फॉर्म फॉरवर्ड करने में कर रहे हिला हवाली, अटके प्रवेश पत्र। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर स्वाध्यायी परीक्षा 7 अगस्त से प्रारंभ हो रही है। इस परीक्षा में कई विद्यार्थी अभी तक प्रवेश पत्र पाने से वंचित हैं। इस समस्या की वजह से कई परीक्षा केंद्र हैं जहां पर विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन जमा तो हुए लेकिन उनका फॉर्म फॉरवर्ड करने में कॉलेज हिला हवाली कर रहे हैं। इस वजह से विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र जारी करने में परेशानी हो रही है। भारत नेट पैकेट को कैबिनेट से मंजूरी। फर्स्ट फेज में होगा 1.3 ट्रिलियन रुपए का निवेश। भारत नेट पैकेज को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। दूरसंचार विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के महत्वाकांक्षी भारत नेट प्रोजेक्ट के अगले फेज को आगे बढ़ाने के लिए 1.3 ट्रिलियन का निवेश किया जाएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक भारत नेट का मकसद हर भारतीय गांव को फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करना है। जनसेवा मित्रों के लिए सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा। फ्री डेटा के साथ और क्या मिलेगा जानिए डिटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 अगस्त को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में जनसेवक मित्रों से संवाद किया। उन्होंने जनसेवक मित्रों से कहा कि आप सभी को अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की कोशिश करनी है। आप सभी ने अपने काम के नए रिकॉर्ड बनाए। काम के दौरान जमीन पर जो चल रहा है उसकी खबर आप मुझे देते रहना। कहीं कोई गड़बड़ी हो रही होगी तो उसे ठीक कर दिया। लाडली बहना योजना को लेकर बड़ी घोषणा। शिवराज सरकार ने जारी किया आदेश। लाडली बहना योजना का लाभ करोड़ों महिलाओं को मिल रहा है। लाडली बहना योजना की शुरुआत शिवराज सरकार के द्वारा मार्च 2023 में की गई थी। इस योजना का लाभ कमजोर वर्ग की महिलाओं को मिल रहा है। महिलाओं के अकाउंट में पहली और दूसरी किस्त भेज दी गई है। नए नियम के मुताबिक लाडली बहना योजना सफल हो रही है। तीसरी किस्त 10 अगस्त को आने वाली है। अतिथि शिक्षकों को जल्द मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी। मानदेय दुगना करने की तैयारी में सरकार।
मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही अतिथि शिक्षकों को बड़ी सौगात देने जा रही है। इसके लिए नए सिरे से शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। बता दें कि इससे प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों को फायदा होगा। बता दें कि अतिथि शिक्षक कई दिनों से सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि MP में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर सरकार हर वर्ग को साधने के लिए कई तोहफे दे रही है। CM शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री जनसेवा के दूसरे फेज की शुरुआत की। मध्य प्रदेश में युवा सरकारी दफ्तरों में इंटर्नशिप कर रही हैं। इसी की दूसरी कड़ी का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार रात को किया। इसका नाम दिया मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार अपनी योजनाओं को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। इसी श्रृंखला में सरकार ने प्रदेश के उच्च शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र योजना शुरू की है। RDSS के तहत देश का पहला बिजली ग्रिड इंदौर जिले के इमलीखेड़ा में ऊर्जीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले वर्ष जुलाई में ऊर्जा मंत्रालय के लिए प्रारंभ रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत देश का पहला 33/11 केवी का बिजली ग्रिड इंदौर जिले के सांवेर तहसील के इमलीखेड़ा में पूर्ण होकर ऊर्जीकृत हुआ। इस ग्रिड से 5 गांवों की 25,000 जनता को उच्च गुणवत्ता युक्त 24 घंटे बिजली मिलेगी। इस उपलब्धि पर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बधाई देते हुए जिले की विद्युत आपूर्ति क्षमता बेहतर करने में अहम कदम करार दिया। इंदौर के 31 थानों के प्रभारी बदले, 4 प्रभारियों का शहर में ही तबादला। इंदौर पुलिस आयुक्त मकरंद देउस्कर ने थाना प्रभारियों की पोस्टिंग की। नई पोस्टिंग में सिफारिश से आए निरीक्षकों को तरजीह दी गई। बालगंगा में नीरज बिरथरे और लसूड़िया थाना तारेश सोनी को भेजा गया। गृहमंत्री के क्षेत्र से इंदौर आए JP जमरे को कनाड़िया थाने से हटाकर पलासिया भेज दिया गया। भाजपा नेताओं की पसंद सतीश पटेल को भी राजेंद्र नगर से हटाकर सदर बाजार GI बनाया गया। मध्य प्रदेश में रविवार 8-6 अगस्त को इन 7 संभागों के जिलों में भारी बारिश के आसार। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक आज रीवा सागर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। शेष संभागों के जिलों में मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। वर्तमान में कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश से लगे दक्षिण उत्तर हिस्से पर सक्रिय है। इसके बिहार की तरफ बढ़ने की संभावना बन रही है। मानसून द्रोणिका भी इसी मौसम प्रणाली से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। सोमवार को मिलेगा मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश। मध्य प्रदेश में सोमवार से पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। कृषि विपणन बोर्ड के स्वर्ण जयंती महोत्सव में शिवराज बोले, किसानों को 2% से ज्यादा कमीशन न काटा जाए। प्रदेश के किसानों को आज उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य मिल रहा है। वे अब खेत व खलिहान से ही उपज बेच सकते हैं। मंडियों में उपज की आवक बढ़ी, जिससे आय में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि मिली, लेकिन किसानों से 2% से अधिक कमीशन न काटा जाए। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कृषि विपणन बोर्ड के स्वर्ण जयंती महोत्सव में कही। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के परिश्रम से प्रदेश ने 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किया है। कोर्ट की अवेलना मामले में छतरपुर के पूर्व कलेक्टर CEO दोषी करार, 11 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा। जबलपुर हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस GS अग्रवाल ने अपने फैसले में छतरपुर के पूर्व कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और जिला पंचायत के CEO अमर बहादुर सिंह को कोर्ट के आदेश को न मानने पर दोषी करार दिया। आगामी 11 अगस्त को उनकी सजा का ऐलान किया जाएगा। दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। टमाटर के बाद अब बढ़ सकते हैं प्याज के दाम। देश में अभी टमाटर की बढ़ती कीमत ने लोगों को बेहाल कर दिया। टमाटर और बाकी सब्जियों के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अगले महीने प्याज के दाम भी बढ़ जाएंगे। क्रिसिल के एक शोध रिपोर्ट के अनुसार सितंबर महीने की शुरुआत में आपूर्ति में संभावित कमी के कारण खुदरा बाजार में प्याज की कीमतें बढ़ सकती हैं। इनकी कीमत 0 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है। वहीं अक्टूबर में इसकी कीमतों में नरमी आ सकती है। आपने भी फाइल किया है ITR तो ऐसे मैसेज से रहें सावधान। ITR रिफंड के सीजन में PIB फैक्ट चेक ने सतर्क किया है। लोगों को ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि आपको 15,490 का टैक्स रिफंड स्वीकृत किया गया, ये राशि आपके खाता संख्या में जमा की जाएगी। यदि ये सही नहीं है तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर बैंक खाते की जानकारी अपडेट करें। PIB ने बताया कि यदि कोई रिफंड बकाया है तो IT विभाग रिफंड के लिए कोई लिंक नहीं देगा। ऐसे में लिंक न खोलें वरना खाता खाली हो सकता है।
चंद्रमा की पहली ऑर्बिट में पहुंचा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 पर इसरो ने नया अपडेट दिया है। इसरो के अनुसार चंद्रयान ने चांद का ऑर्बिट पकड़ लिया है। अब चंद्रयान करीब 166 किलोमीटर बाय 18,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में यात्रा कर रहा है। फिलहाल चंद्रयान सही तरह से काम कर रहा है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 से लैंडर अलग होकर चांद के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके बाद लैंडर से रोवर निकलेगा और 14 दिन तक चांद पर रिसर्च करेगा। प्रिया मिश्रा जी, कहकर आपने केंद्रीय गृह मंत्री को सुपारी पार्टी की बताई ताकत। दिल्ली अध्यादेश विधेयक पर संसद में सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी की तुलना छोटी सी सुपारी से की थी। अब उनके इस बयान से नाराज आपने गृह मंत्री पर पलटवार किया। आपने अपने एक ट्वीट में बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े नेता को आगाह करते हुए कहा कि आप और आपके मित्र मोदी अरविंद केजरीवाल से कितना खौफ खाते हैं ये बताने की जरूरत नहीं। आम आदमी पार्टी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अमित शाह जी, जिसको आप सुपारी जितनी पार्टी बोल रहे हैं ये वही सुपारी जितनी पार्टी है। पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से की बात, द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने का प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड से टेलीफोन पर बातचीत की। पीएमओ ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों नेताओं ने भारत नेपाल द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और इस साल के शुरुआत में प्रधानमंत्री प्रचंड की हालिया भारत यात्रा के दौरान हुई चर्चाओं पर बात की। इसका उद्देश्य था कि द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाया जा सके और दोनों के बीच दोस्ती और भी मजबूत की जा सके। कुछ भाजपा नेताओं को आज कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे कमलनाथ। विधानसभा चुनाव के पहले दल बदल का खेल शुरू हो गया है। आज ग्वालियर चंबल संभाग और बुंदेलखंड के कुछ भाजपा नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इसकी तैयारी शुरू हो गई। दोपहर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की उपस्थिति में इन नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जाएगी। इन नेताओं के साथ उनके समर्थक भी भोपाल आ रहे हैं जो कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले भाजपा नेता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से नाराज चल रहे हैं। बेतवा में बढ़ने लगा मगरमच्छों का कुनबा, खेत तक पहुंचने लगे मजदूरों ने मगरमच्छ के दो बच्चों को पकड़ा। विदिशा जिले के गंज बासौदा शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम सकरौली में खेत पर काम करते हुए मजदूरों को दो मगरमच्छ के बच्चे मिले। सूचना पर वन विभाग द्वारा मगरमच्छ के बच्चों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर छोड़ा गया। विदिशा जिला मुख्यालय से होती हुई बेतवा नदी गंज बासौदा से निकलती है। विदिशा सहित गंज बासौदा की बेतवा नदी में मगरमच्छों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अमृत भारत स्टेशन के तहत जबलपुर मंडल की 11 स्टेशन का 6 अगस्त को होगा उद्घाटन कार्यक्रम। जबलपुर मंडल समेत मध्य प्रदेश में 80 रेलवे स्टेशन का अमृत योजना के तहत कायाकल्प किया जाना है। इसके कार्यों का शिलान्यास कार्यक्रम 6 अगस्त को सुबह 11 बजे होगा। इसका मुख्य कार्यक्रम दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। इधर जबलपुर रेल मंडल की 11 स्टेशन के शुभारंभ कार्यक्रम में सांसद, मंत्री और विधायक शामिल होंगे। भारत रूस के फैसले से मचा हाहाकार, 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची चावल की कीमत। भारत और रूस के एक फैसले से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार चावल और वनस्पति तेल जैसी खाद्य वस्तुओं की वैश्विक कीमतें महीनों में पहली बार बढ़ी। यही नहीं, चावल की कीमतें 12 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। यूएन एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन को दुनिया भर में अनाज भेजने की अनुमति देने वाले युद्धकालीन समझौते से रूस के बाहर निकलने और भारत द्वारा अपने कुछ चावल निर्यात को प्रतिबंधित करने जैसे कारण इस महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।